नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाल जी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूं घुड़देवा और दिखाऊंगा वहां घुड़देवा का ACCL का क्वार्टर की कैसा है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं घुड़देवा। दोस्तों, आज बुधवार है तो बुधवारी बाज़ार भी लगा हुआ है, तो हम लोग बाज़ार भी थोड़ा घूम लेते हैं। और ये समोसे अगल बगल में समोसा निकल रहा गर्मा गर्म। और आगे बढ़ते हैं तो सब्जियां की दुकानें लगी हुई है, देखते हैं आगे की मार्केट कैसा है इधर का। अरे, आलू बेच रहा बगल में भाई साहब। अरे देखिए सब्जियां, ऐसा हरी भरी सब्जियां है। अरे टमाटर, अभी टमाटर तो बहुत महंगा है भाई, 60 रुपये किलो हो गया है। अब मूली इधर, और बाज़ार में चारों तरफ आपको घुमा देता हूँ। ऐसा है कुछ मार्केट इधर का, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, बस इतना ही है मार्केट, ज़्यादा है नहीं इधर का। बुधवार को सप्ताह में एक बार लगता है। और मार्केट ये लाल लाल मिर्ची, और देख सकते हैं बहुत तीखा मिर्ची। अरे कुछ जगह मछलियाँ भी बेची जा रही हैं, ऐसा कटिंग करके रखा हुआ मछली, कुछ कुछ मछलियों को। अरे दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कुसमुंडा की तरफ, और ये बाएं साइड मेरा चला जाएगा बांकी मोगरा, दाहिने जाएंगे हम लोग कुसमुंडा की तरफ। तो घुड़देवा कॉलोनी है उधर, तो कॉलोनी को हम लोग देखेंगे कैसा है कॉलोनी उधर का। जैसे मंदिर है दोस्तों बायां साइड में मेरा, जय माता दी। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये मेन रोड है ये, और सामने उधर राशन की दुकान दिख रही है थोड़ा छोटा सा। और बढ़ेंगे आगे, सामने है पानी टंकी दिखाई दे रहा नीला नीला, और ये है बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय। और देखिए पानी टंकी इधर, और इसी के बगल में कॉलोनी है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट क्वार्टर है इसका बगल में, टी टाइप क्वार्टर है। देखिए सब टी टाइप क्वार्टर है इधर, ये ऐसा है इस टाइप का कॉलोनी का क्वार्टर इधर का। और दीपका और गेवरा कॉलोनी जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से बसा हुआ है, ये तो उतना सिस्टमेटिक नहीं लग रहा हमें। इधर टी टाइप और माइनस क्वार्टर है इधर, देखिए ऐसा है कुछ इधर का क्वार्टर। और पुराना भी हो गया इधर का क्वार्टर, बहुत लग रहा हमको कि 60-70 का ये बना होगा, 60-70 के बाद ही बना होगा ऐसा है, मुझे भी मालूम नहीं है। इधर बी टाइप भी क्वार्टर है, लेकिन हम लोग बी टाइप क्वार्टर की तरफ नहीं जा पाए थे। इधर सरदार मोहल्ला भी है, तो सरदार मोहल्ला देखेंगे हम लोग। देखिए वो सेकंड रो का है ये, इधर सेकंड रो में घुस गए हम कॉलोनी का। इधर कॉलोनी में जा रहे हैं आगे, उसके बाद आगे से रास्ता ही बंद है, खेत खलिहान मिल जा रहा हमें, तो हमें बार बार पीछे की ओर आना पड़ रहा है। ऐसा कॉलोनी दोस्तों इधर का, आप लोग को देख करके कॉलोनी को कुछ आइडिया भी हो जाए कि इधर का कॉलोनी कैसा है। और जो यहाँ के रहने वाले होंगे, रिटायरमेंट हो करके चले गए होंगे, वो भी देख लेंगे कि कैसा है, कुछ यादें उनका ताज़ा हो जाएंगी देख करके इनको। और हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने ब्लॉग बनाने को बोला था इसका, घुड़देवा का, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ इसको, इस ब्लॉग को। ऐसा इस टाइप का है इधर का कॉलोनी। और ये शासकीय स्कूल है ये सामने, इधर से ही हम लोग जाएंगे सरदार मोहल्ला देखते हैं, नहीं तो उधर से आएंगे उस साइड से, पूछते हैं किधर है सरदार मोहल्ला।
यही है शायद सरदार मोहल्ला। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूछने पे बताया गया कि यही है सरदार मोहल्ला। तो ये और सरदार मोहल्ला नाम क्यों पड़ा ये पूछे, पहले यहाँ बहुत सारे पंजाब के लोग रहते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए इसका नाम सरदार मोहल्ला पड़ गया है बता रहे थे। और कुछ सरदार जी भी दिखे हैं इधर। और जैसे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं इधर, कुछ देर बाद देखिए जाएंगे आगे, तो उसके बाद रास्ता ख़त्म, फिर हमको पीछे लौटना पड़ेगा उधर से। खेत खलिहान आ जा रहा है। दीपका और गेवरा जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से बसा हुआ है वो चारों तरफ, लेकिन ये सिस्टमेटिक है नहीं, शायद बहुत पुराना कॉलोनी है इसीलिए ऐसा है। हम लोग को इसके बाद में अब थोड़ा आगे से पीछे देखिए लौटना पड़ेगा। और यहाँ का भी स्कूल दिखा देता हूँ, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये रहा घुड़देवा का। यहाँ सब बच्चे सब पढ़ने आते हैं इधर का। अरे दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी अब बांकी मोगरा की तरफ, उसका दाहिना साइड में भी कॉलोनी है, घुड़देवा का ही कॉलोनी है ये सब भी। तो इस टाइप का है इधर का कॉलोनी। और घुड़देवा के लोग अधिकतर मार्केट करने आते हैं, वो आते होंगे बांकी मोगरा, नहीं तो कोरबा तो बहुत दूर है मार्केटिंग के लिए, तो बांकी मोगरा ही अधिकतर आते होंगे यहाँ के लोग मार्केटिंग करने के लिए। और ये सीधा रोड चली जाती है बांकी मोगरा की तरफ। आगे है छुरा कछार, ये सब है आगे, उसके बाद बांकी मोगरा आ जाएगा आपका। और इधर का जो माइंस है वो अंडरग्राउंड माइंस ही है बलगी तरफ, और इधर आपका घुड़देवा, ये सब माइंस अंडरग्राउंड माइंस ही है इधर। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ में, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद।